हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने पिछले वीडियो में डाई क्या होता है, डाई कौन सा क्या सब्सटेंस है, क्या उसका फंक्शन है, उसके बैड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल कलर। अब व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल कलर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड कलर, मतलब जिसमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और केमिकल्स मतलब क्या, उसका असर हमारे बॉडी पे निगेटिव हो सकता है। तो आर्टिफिशियल कलर क्या है, कहाँ यूज किए जाते हैं और इसके बैड इफेक्ट क्या है और उसका ऑप्शन क्या है, ये हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आर्टिफिशियल कलर। ओके, तो कैन यू रिकॉल में क्वेश्चन है क्या है, What problem do you get after playing colors on रंग पंचमी and why? मतलब जब होली में जब हम क्या करते हैं, कलर यूज करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं मतलब खेलने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो देखते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है, इट कॉज द सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्किन एंड आई, मतलब हमारी स्किन इचिंग करेगी, आई जो होते हैं रेड हो जाती है। ये प्रॉब्लम आर्टिफिशियल मतलब जो कलर हम यूज करते हैं ना होली के लिए, तो इसका असर हमारे स्किन पे और आईज पे होता है। रेड कलर जो होता है ना, उसमें इट कंटेन हाई प्रोपोर्शन मतलब हाई क्वांटिटी ऑफ मर्क्यूरी इन इट एंड इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, हमें टेम्पररीली ब्लाइंडनेस आ सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उसके बाद इचिंग ऑफ स्किन, स्किन में इचिंग हो सकता है, और परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ स्वेट पोर्स मतलब जो हमारी स्किन होती है ना उसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं। अभी स्वेट से क्या होता है, जो हार्मफुल सॉल्ट्स वगैरह है ये हमारे बॉडी से निकल जाता है, तो ये जो पोर होते हैं ना ये भी ब्लॉक हो सकते हैं ये जो आर्टिफिशियल कलर हमने होली में यूज किया तो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, विच कलर विल यूज टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब हमें क्या करना है, अभी ये जो कलर है उससे प्रॉब्लम हमें प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है ना, हम मैनमेड कलर यूज करेंगे, मैनमेड कलर यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे नेचुरल कलर विच आर ऑप्टेड फ्रॉम द प्लांट, जैसे हमें रूट से मिलता है, फ्रूट से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, स्टेम से, बार्क से मिलते हैं ना नेचुरल कलर, उसका हम यूज करेंगे। देन What problem do you have on playing the house, painting the house and furniture? मतलब अगर हमने घर में पेंट किया है तो उसका असर हमारे बॉडी पे क्या हो सकता है, तो देखो नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है, मतलब जी घबराता है, हमारा सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, ऐसे हम घर में गए तो मतलब जस्ट पेंटिंग हो गई है और हम उस रूम में गए या घर में गए तो ये प्रॉब्लम आते हैं, बर्निंग ऑफ आईज है, रेडनेस ऑफ आईज है, ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट हो सकते हैं। ओके, वी रेगुलरली यूज आर्टिफिशियल कलर ऑन रंग पंचमी, देखो रंग पंचमी में तो हम यूज करते हैं, और एज वेल एज वी ऑल्सो यूज आर्टिफिशियल कलर फॉर डेकोरिंग द डेकोरेटिंग हाउस बाय पेंटिंग। ओके, रेड कलर ऑन यूज द रंग पंचमी, अभी ये जो हम रेड कलर यूज करते हैं ना रंग पंचमी में, इट कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस मर्क्यूरी इज वेरी वेरी डेंजरस टू अवर हेल्थ, मतलब इसका असर हमारे बॉडी के ऊपर मतलब ब्रेन के ऊपर हो सकता है, एंड दिस इज वेरी डेंजरस, मतलब इससे हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ओके, इसका असर क्या होता है, इट दिस पजेस द रिस्क लाइक ब्लाइंडनेस आ सकती है, स्किन पे ऐसे रैशेज भी आ सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड डिसीज है, दिस वन इज अस्थमा, इचिंग ऑफ स्किन, देन एंड परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ स्वेट पोर्स, मतलब हमारी स्वेट ग्लैंड के जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं ना, वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। ओके, एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट द आर्टिफिशियल कलर कैन बी यूज कॉशियसली, मतलब हमें आर्टिफिशियल कलर हम यूज कर सकते हैं लेकिन हमें केयर लेके करना है। तो केयर कैसे करेंगे, देखो सिंपल वे, हम होली खेलने के लिए जा रहे हैं ना, तो पूरे बॉडी को अगर ऑयल या कुछ भी क्रीम, ऑयलमेंट जो होता है या क्रीम अगर हमने लगा लिया ना, तो जो कलर है वो इजीली हमारे बॉडी से रिमूव हो सकता है। फाइंड आउट में क्या है,
फाइंड आउट द हैजर्डस केमिकल प्रेजेंट इन द आर्टिफिशियल कलर, मतलब जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, तो उसमें कौन से हार्मफुल केमिकल यूज किए जाते हैं चलो देखते हैं। तो जैसे रेड इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, पिंक इसमें रोडामियम भी होता है, ऑरेंज इसमें क्रोमियम आयोडाइड होता है, येलो कलर में ऑरियामाइन होता है, ग्रीन कलर में कॉपर सल्फेट केमिकल होता है और ब्लैक कलर में लीड होता है। और ये हमारे बॉडी के लिए कैसे कैसे है हार्मफुल है। ओके, उसमें एक क्वेश्चन है, देयर हार्मफुल इफेक्ट क्या है, राइट, देयर हार्मफुल इफेक्ट तो क्या हो सकता है। अब भी हमने बताया कि स्किन डिसीज हो सकता है, आई इन्फेक्शन हो सकता है, टेम्पररी ब्लाइंडनेस भी आ सकती है, अस्थमा, स्किन कैंसर, ये हो सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ट्राई दिस में क्या है, देखो, प्रिपेयर द कलर फॉर रंग पंचमी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमें क्या करना है, केमिकल जो है आर्टिफिशियल कलर तो हार्मफुल है, तो हमें अभी नेचुरल जो रिसोर्सेस है, मेन जो रिसोर्सेस है नेचुरल रिसोर्सेस, दिस वन इज द प्लांट, है ना। तो हमें रंग पंचमी के लिए क्या करना है, कलर तैयार करना है। जैसे हम उसके लिए बीट रूट यूज कर सकते हैं, स्पेनेच यूज कर सकते हैं, गुलमोहर के जो फ्लावर होते हैं ना, उसका भी हम यूज करके हम रंग पंचमी के लिए कलर तैयार कर सकते हैं। तो ये हम ज्यादा से ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब नेचुरल कलर यूज करेंगे और आर्टिफिशियल कलर हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ओके, okay?